पेट भरा उसका। देखिए आज जो हमारी रेल मोटर कार है, जो हमारी हेरिटेज ट्रेन है, ये इसको आज रेगुलर सर्विस में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है। ये कोई लगभग 2 साल के बाद इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले ये रेल कार चार्टर सर्विसेज के लिए अवेलेबल थी, जो भी लोग ग्रुप में आना चाहते थे वो इसको बुक करा के आ सकते थे। अभी इसको आज से रेगुलर सर्विस में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें टोटल 15 सीट्स हैं, जिसमें से आज 7 लोग इसमें आए हैं, और कल मैंने चेक किया था आने वाली गाड़ी पूरी की पूरी फुल है। परसों भी आने वाली गाड़ी पूरी की पूरी फुल है, मतलब फुल कैपेसिटी पर बुकिंग है इसकी कल और परसों भी आने वाली में। और इसका जो किराया है वो 800 रुपये है, जो निर्धारित किया गया है। देखिए इसका जो कालका से चलने का समय है वो 5:25 है, शिमला में इसके पहुँचने का जो समय है वो 9:50 है, और शिमला से इसका वापस जाने का समय 11:40 है, और ये कालका में 16:40 पे पहुंचेगी। इसकी खासियत है कि ये एक ऐसी हेरिटेज ट्रेन है जो अंग्रेजों के टाइम में भी चलती थी और आज भी चल रही है। बाकी तो हमारे सभी कोचेज वगैरह मॉडिफाइड भी होते रहे हैं बीच बीच में, तो ये वही इसका जो स्ट्रक्चर है वैसे का वैसा ही है, और ये लोगों की इसी वजह से पहली पसंद है कि लोग इसको इंजॉय करते हैं एज ए हेरिटेज ट्रेन। रेल मोटर कार है क्योंकि जो हमारे नॉर्मली जो इंजन होते हैं वो बोथ फेस चलते हैं, वो आगे भी चलते हैं पीछे भी चलते हैं, तो उनको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रेल मोटर कार है, जस्ट कार ऑन ए ट्रैक जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ये एक ही साइड को चलती है, तो जैसे अब कालका से शिमला आती है तो एक साइड को आ गई जैसे, तो वापसी जाने के लिए इसको शिमला से इसको कालका जो इसका फेस है वो कालका साइड करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टर्न टेबल अवेलेबल है, जहाँ पे इसको रख के इसको घुमाया जाता है और इसका जो फेस है वो कालका की तरफ किया जाता है।